जेल से परेशान होकर महिला ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला ग्राम मोहल्ला निजामी नगर अंश दुबरिया थाना बदोसा तहसील अतरा की स्थायी निवासी है। कार्तिक के पति घनश्याम पुत्र फल्गु प्रसाद परिवार के पालन पोषण के लिए नोएडा में मजदूरी करता है, जो कि विकलांग है, और उसके दो बच्चे हैं जिनका भरण पोषण किया जाता है। और कार्तिक के ससुर फल्गु प्रसाद ने सौभाग्यपूर्ण ढंग से बंटवारा कर दिया, लेकिन जेठ कल्लू पुत्र फल्गु प्रसाद की नियत सही नहीं, वे अक्सर ताक झाक करता रहता है, जिससे प्रार्थिया परेशान रहती है और उत्पीड़न करता है। आबरू लूटने व हत्या करने की ताक में रहता है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से चलोगी तथा पुलिस को बताया तो जान से मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा और दोनों बच्चों को भी अगवा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माया तिवारी, बांदा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से आए हैं आप लोग? बैरी जल बदौसा। किस तरह के समस्या है आप लोगों की? हमारे घर में मेरे जेठ और जेठ ससुर, उनके तीन लड़के हमेशा मुझे मारते घर आते हैं। अभी एप्लीकेशन थाने में दी थी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ एसपी साहब बोल रहे हैं कि प्रधान को लेके वहाँ जाइए थाने। थाने वालों ने क्या कहा? जब थाने वालों जब थाने गए तो उस दिन कह रहे थे कि आप इन एप्लीकेशन दीजिए, इनका मुकदमा लिखा जाएगा, ऐसे नहीं मानेंगे। खूब गाली गलौज कर रहे थे उन लोगों को। और जब तीन चार बार मुझे थाने बुलाए, कोई कार्य नहीं किए, तब फिर हम यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमें हमारे साथ कार्रवाई की जाए। हमको बार बार मारते कर जाते हैं। उनके तीन लड़के हैं, बड़े बड़े दो जेठ हैं, हमेशा हमको परेशान करते। मेरा आदमी घर में नहीं रहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या किसी तरीके की आप बेइज्जती किया? हमेशा करते हैं। किस तरह धमकी दे रहे हैं? हमेशा गाली गलौज करते हैं। जो कुछ मतलब हम कहीं भी सामान लेने जाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम वहाँ किस लिए गई थी, और थाने जाते तो कहते हैं कि दरोगा के साथ सोने गई है क्या? ऐसी हाँ कहते, एक रात दरोगा के साथ सो जाएगी तो तेरा काम हो जाएगा, जेठ का लड़का बोलता है। क्या नाम है उसका? निक्की।